और आज से संसद का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है और शीतकालीन सत्र की तरह एक बार फिर से इसके जबरदस्त हंगामे होने के आसार हैं। कल बजट पेश किया जाएगा और उससे पहले विपक्ष की बैठक भी होने वाली है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से होगी और राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को सेंट्रल हॉल में संबोधित करेंगे। अभिभाषण खत्म होने के बाद सरकार की ओर से संसद के दोनों सदनों में इस साल का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। आप संविधान संशोधन विषय पर चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते, मेरे बात सुनने का उपरांत अगर आप संतुष्ट ना हो तभी चर्चा नहीं करना चाहते। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, लेकिन क्या ये सत्र भी हंगामे और बवाल की भेंट चढ़ जाएगा? क्योंकि शीत सत्र में एक दिन भी विपक्ष सदन के अंदर मौजूद नहीं रहा और बाहर धरने पर बैठा रहा। स्थिति ऐसी हो गई थी कि विपक्ष की गैर मौजूदगी में ही बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होता रहा। लिहाजा इस बार भी हंगामा और विरोध ना हो, इसलिए सरकार सभी दलों के साथ आज वर्चुअल बैठक करने वाली है। आज सुबह 11 बजे बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी और इस बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। इसके बाद सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी। अगले दिन यानी 1 फरवरी को लोकसभा में आम बजट पेश किया जाएगा। बजट सेशन का पहला चरण 31 जनवरी से 15 फरवरी तक होगा, दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। कोरोना की वजह से राज्यसभा और लोकसभा का समय भी बदला गया है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे शुरू होगी। लेकिन इस बजट की सबसे खास बात यह है कि 5 राज्यों में जारी चुनावी घमासान के बीच ये बजट पेश होने जा रहा है। इसलिए जानकारों के मुताबिक चुनाव की छाया और छाप इस बजट पर साफ देखने को मिल सकती है। बजट में सरकार सभी वर्गों के लिए राहत का ऐलान कर सकती है और यही डर कांग्रेस को परेशान भी कर रहा है। कांग्रेस के नेता अभी से कहने लगे हैं कि अपने कार्यकाल में सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही, ऐसे में बजट में वो इस कमी को ढकने की कोशिश करेगी। सत्र से पहले राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। महंगाई पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस आज एक बुलेटिन भी जारी करने वाली है। अब सवाल है कि 5 राज्यों में वोटर्स को बजट के जरिए कैसे साध सकती है सरकार? सरकार किसानों के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। बेरोजगारी पर मचे बवाल के बीच सरकार रोजगार की बात कर सकती है। इसके अलावा आम वेतन भोगी भी टैक्स में छूट की उम्मीद लगाए बैठा है और सबसे बड़ी बात, कोरोना महामारी से परेशान व्यापारी को भी राहत की आस है। अब सबकी नजर कल पेश होने वाले बजट पर होगी। बजट की तस्वीर आज साफ हो जाएगी क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। आर्थिक सर्वेक्षण से मोदी सरकार के दावे और दावों की हकीकत बहुत हद तक साफ हो जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए मोदी सरकार ये बताने की कोशिश करेगी कि कड़े आर्थिक फैसलों से कोरोना के बीच भी देश की अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं दिया। अपनी उपलब्धियों को गिनाकर सरकार विपक्ष को जवाब देने की कोशिश करेगी, लेकिन विपक्ष के पास भी कई मुद्दे हैं जिनके जरिए वो सरकार को घेरेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के नए दावों के मुताबिक पेगासस जासूसी मामला एक बार फिर तूल पकड़ सकता है। विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर सरकार से सवाल जवाब करने की तैयारी में है। इसके अलावा चीन और किसानों से किए गए वादे पर भी संसद में हंगामा हो सकता है। किसान मोर्चा भी आज सरकार के खिलाफ विश्वासघात दिवस मना रहा है। कांग्रेस बिहार यूपी में रोजगार पर मचे बवाल और कोविड में मारे गए लोगों को मुआवजा देने को लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी कर बैठी है। जासूसी स्पाईवेयर पेगासस इजराइल से खरीदकर इस्तेमाल किया और उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। ये प्रजातंत्र का अपहरण है और देशद्रोह है। शायद ये भी संयोग नहीं प्रयोग है, या प्रयोग नहीं संयोग है, कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार काउंसिल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को रिपोर्ट करती है, उसका बजट भी यकायक 33 करोड़ से बढ़कर साल 2017 में 333 करोड़ हो गया। सरकार के सामने इस बार चुनौतियां हैं, कोरोना से लड़ाई है, विपक्ष के सवाल हैं और 5 राज्यों में चुनाव है। इसके अलावा कई बिल भी पास करवाने हैं जो कई सत्र से अटके पड़े हैं। मतलब चुनौतियों के चक्रव्यूह में सरकार फंसी हुई है और इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए उसके पास कौन सा एजेंडा है? 1 फरवरी के दिन सुबह 11 बजे सरकार आम बजट के जरिए पूरे देश को बताने वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।